नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आपसे मुलाकात हो रही है एक हफ्ते बाद खासकर स्टूडियो में। मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी होगी, अगर जरूरत हुई फिर से वहां जाऊंगा। आपके इंटरेस्ट की कोई भी खबर होगी, किसी भी वक्त होगी, वहीं चला जाऊंगा मैं तुरंत, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज सिग्नेचर स्टोरी में बात आग और पानी की करेंगे, हिंदुस्तान से हिमाचल तक, अगर हम माने अमेरिका के हवाई तक, वहां तमाम जगहों पर आग और पानी का तांडव मचा हुआ है। कुदरत का गुस्सा इंसान की बस्तियों पर कहर बनकर टूटा है, तबाही की तस्वीरें हिलाने वाली हैं। एलएसी पर डेपसांग और दमचौक में डिस एंगेजमेंट के लिए चीन के साथ फिर बातचीत की टेबल पर टॉक शुरू हुई है। डेपसांग दमचौक पर सेना हटाने को लेकर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन चीन से सावधान रहने की जरूरत है। एलएसी पर हमारी तैयारी कैसी है, आज एक्सक्लूसिव में आपको ये बताएंगे। क्या मरीजों की भीड़ बढ़ने से अस्पताल के अंदर दो दिन में 22 लोगों की मौत हो सकती है, खबर हैरान करने वाली है लेकिन सच है। फैक्ट फाइंडिंग में मुंबई के पास ठाणे के अस्पताल की आज पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में बात तो 66 साल के सनी देओल की भी होगी, जिनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। सिनेमा घरों में पांव रखने की जगह नहीं है और अब तो गदर 2 के सीन पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहे हैं। बी पॉजिटिव में आज कश्मीर से एक शानदार खबर आई है। जो इलाके कभी आतंकवाद के केंद्र थे, जहां देश विरोधी नारे लगते थे, अब वहां आतंकियों के परिवार वाले ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जहर फैलाने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंक के अकाओं के लिए ये एक जोरदार तमाचा है। बात पहले सिग्नेचर स्टोरी की करेंगे। इस बार बारिश ने जो तबाही भारत और दूसरे मुल्कों में मचाई है, वैसी बहुत सालों से देखी नहीं। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अकेले हिमाचल में 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सबकी नजर अभी शिमला के उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, जहां एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पर लैंडस्लाइड हो गया है, 9 की मौत हो गई है इस लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से, और 25 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी बताया जा रहा है कि वहां दबे हुए हैं। सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त हो रहा था। शिमला के बालूगंज इलाके में बने शिव मंदिर में भक्त जुटे हुए थे। सावन का सोमवार होने की वजह से सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ थी। आरती के बीच अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और मंदिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। मंदिर परिसर में कोहरा मच गया, श्रद्धालुओं की चीख पुकार चट्टानों में दब गई। हादसे की खबर सुनकर सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सीएम और गवर्नर दोनों ने मोर्चा संभाला। अभी जो मौतों का आंकड़ा आज के दिन का है, वो 50 के करीब एक दिन में मौतें हो चुकी है और कुछ मिसिंग है, ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मंदिर परिसर में जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के अलावा स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश परेशानी बढ़ा रही है। ऑरेंज अलर्ट के बीच पिछले कई घंटों से हिमाचल में भारी बारिश और तबाही दोनों जारी है। मंडी के नेरचौक में सुबह से ही गाड़ियां फंसी हैं। कई जगह बादल फटने के कारण अचानक इतना पानी जमा हो गया कि रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए। घर से बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। पहाड़ों के साए में हर हलचल खौफ भर रही है। बीते दो दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से फागली में 5 और सोलन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है।
बर्बादी और गम की डबल मार झेल रहे हिमाचल में कल आजादी को सादगी से मनाया जाएगा। हिमाचल का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी मौसम के कहर से सहरा हुआ है। सुबह से देहरादून के मालदेवता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग को बारिश ने खोखला कर दिया और बिल्डिंग महज 5 सेकंड में मटिया मेट हो गई। मूसलाधार बारिश से कोटद्वार में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां अब मकान जल समाधि लेने लगे हैं। गाड़ी घाट इलाके में 2 मंजिला मकान कैमरे के सामने नदी में समा गया। ऐसे दर्जनों घर बारिश ने मिटा दिए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्यों पर 16 अगस्त तक बड़ा खतरा है, क्योंकि मुसीबत की ये बारिश 16 अगस्त तक राहत नहीं देने वाली। एक तरफ जहां पानी में सब कुछ डूबा और बहा जा रहा है, उधर अमेरिका का हवाई स्टेट आग के कहर से जूझ रहा है। यानी यहां पानी है और अमेरिका में आग, वहां मरने वालों की तादाद 100 को छू गई है। हालात दिल दहलाने वाले हैं। तथ्य और तस्वीरें दोनों गवाही दे रहे हैं कि इससे भीषण अग्निकांड अमेरिका ने नहीं देखा। सिर्फ ये समंदर सलामत है, वरना हवाई के दूसरे बड़े शहर माउई में सब खाक हो चुका है। पानी में आग कैसे लगती है, इन कश्तियों को देखकर समझ जाएंगे आप। नीचे अभी भी पानी है, लेकिन ऊपर सब भस्म हो चुका है। हवाई की ये आग पहले जंगलों में भड़की। 8 अगस्त को स्थानीय प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हवाई के उत्तर में गर्म मौसम और हवा में हाई प्रेशर बन गया, तो दक्षिण में डोरा नाम का तूफान आ गया। दोनों ने जंगल की आग को कई गुना भड़का दिया। 2 दिन में आग की आंच वाशिंगटन पहुंच गई और 10 अगस्त को राष्ट्रपति बाइडेन ने अग्निकांड को डिजास्टर घोषित कर दिया। नेशनल गार्ड्स और हवाई की इमरजेंसी टीमें आग के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। सबसे ज्यादा तबाही माउई द्वीप के लाहनिया में हुई है। करीब करीब पूरा लाहनिया जल चुका है। 14 अगस्त की शाम तक माउई में आग से मरने वालों की तादाद 96 थी। 2200 से ज्यादा घर जल चुके हैं। संपत्ति का नुकसान $5.6 बिलियन बताया जा रहा है। माउई की वाइल्ड फायर ने कई लोगों को संभलने और बचने का भी मौका नहीं दिया। माउई में जली हुई लाशों की पहचान करना मुश्किल है। राहत और बचाव टीमों की मदद स्निफर डॉग्स कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माउई में रेस्क्यू टीम ने अभी तक सिर्फ 5 से 10% हिस्से को ही कवर किया है। यानी जान और माल के नुकसान का आंकड़ा अभी बहुत बढ़ सकता है। जिस हवाई में अग्नितांडव ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिंता में डाल दिया है, वो हवाई अमेरिका का इकलौता स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका से बाहर है। सैटेलाइट तस्वीरें और ड्रोन शॉट दोनों में दिख रहा है कि हवाई का माउई राख का शहर बन चुका है। जल चुके बरगद के इस पेड़ को देख रहे हैं आप। ये साल 1873 में भारत से माउई भेजा गया था, जहां लाहानिया हार्बर के सामने इसे लगाया गया था। तब ये सिर्फ 8 फुट का था। अमेरिकी जमीन पर इसी अप्रैल में बरगद ने 150 साल पूरे किए थे। आग में इस पेड़ की कई शाखाएं बुरी तरह झुलस चुकी हैं। आफत का ये अगस्त कई दूसरे मुल्कों पर भी भारी है। रूस, चीन, म्यांमार से लेकर इटली तक आसमान से मुसीबत बरस रही है। कुदरत के आगे एशिया और यूरोप की महाशक्तियां बेबस हैं। इंसान कुदरत से खेलता है अपनी सुविधाओं के लिए।
और जब कुदरत उससे खेलती है तो क्या होता है, वही होता है जो हिमाचल और अमेरिका के हवाई में हो रहा है। देख लिया ना आपने, सावधान रहना इन चीजों से। लद्दाख की सीमा पर हुई खूनी झड़प को लेकर भारत और चीन के बीच में सैन्य स्तर की बातचीत लगातार जारी है। ये 2020 से चल रही है, जब गलवान की घटना हुई थी ना उसके बाद ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब वो 19वें राउंड में पहुंच गया है। चीन की तरफ से मालडो सेक्टर आता है, अब ये बातचीत भारतीय और चीन के अधिकारियों के बीच वहां चल रही है। क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस जमीन पर कब्जा था जो हमारी जमीन है वो बहाल होगा, वो नहीं मालूम। यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई, आज भी चीन की फौज वहां पर बैठी हुई है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया। पक्ष हो या विपक्ष, चीन से निपटने को लेकर सभी एकमत हैं। लद्दाख में हुई झड़प और उसके बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हुई छेड़छाड़ पर विदेश मंत्री भी हर बार खुलकर कहते हैं कि चीन के साथ कूटनीतिक संबंध अहम दौर में है। वी हैव टुडे द लार्जेस्ट पीस टाइम डिप्लॉयमेंट इन आवर हिस्ट्री ऑन द चाइना बॉर्डर, ओके, एंड वी आर कीपिंग ट्रूप्स देयर at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times. जिस वक्त ये सवाल हो रहे थे तब लद्दाख से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक रिपोर्ट ने इंडियन आर्मी की तैयारियों का लेखा जोखा बता दिया। साफ है कि गलवान संघर्ष के दौरान हमारी सेना चीन के साथ सीधे भिड़ने को तैयार थी, अगर चीन कोई गड़बड़ करता तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत इस इलाके को लेकर पहले से भी कहीं ज्यादा चौकस है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर 68,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। एयरफोर्स की मदद से करीब 90 टैंक और वेपन सिस्टम को लद्दाख ले जाया गया। सुखोई 30 MKI और जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन एक्शन मोड में आ गए। दोनों विमान 50 किलोमीटर इलाके की निगरानी कर रहे थे। चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी RPA तैनात किए गए। वायुसेना के बेड़े में C-130J सुपर हरक्यूलस और C-17 ग्लो मास्टर विमान रहे। इस पूरे बेड़े का वजन करीब 9000 टन था। LAC पर जमीन से हवा में मार करने वाले हथियार भी स्टैंड बाय मोड पर रहे थे। चीन ने जिस तरीके से हरकत की है खासकर अप्रैल मई 2020 के बाद और उसके बाद जो गलवान में हादसा हुआ, मुझे लगता है चीन के जो कार्रवाई है और चीन की जो बातचीत है उसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि इतने एग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी चीन ने जो किया वो वाकई पीठ पीछे छुरी घोंपने के समान है। तो उसके बाद ज़रूर इंडियन एयरफोर्स ने 68,000 ट्रुप्स को एयरलिफ्ट किया, उतने ही नहीं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हुए, टैंक्स हुए, डिफेंस वेपन्स हुए, रेडार्स हुए, दुनिया भर का लॉजिस्टिक्स एमुनेशन ये ले जाना पड़ा। असल में जून 2020 वाले खूनी टकराव से पहले ईस्टर्न लद्दाख में हमारे और चीनी जवानों के बीच एक साझा समझ थी। दोनों के इलाके बंटे हुए थे और पेट्रोलिंग की लोकेशंस भी, लेकिन 15 और 16 जून की रात ये सिचुएशन बदल गई। चीन ने आक्रामकता दिखाई तो उसी भाषा में जवाब मिला। सैनिकों ने PLA के जवानों को खदेड़ दिया। इस दौरान हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के भी 40 जवान बह गए। मगर चीन ने कभी सच नहीं कबूला। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया ने जरूर चीन के झूठ को एक्सपोज कर दिया। गलवान का जब हादसा हुआ था उसके बाद सीमा और चाइना और भारत की सीमा के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन था, तो इस टेंशन का हमने मुँह तोड़ जवाब दिया था भारत ने, और प्लस बहुत अच्छा एक सर्विलेंस भी हमने तब से आज तक किया है लद्दाख की सीमा के ऊपर। सरकार साफ कह चुकी है LAC पर विवाद तब तक नहीं सुलझेगा जब तक चीन अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा। जब तक अप्रैल 2020 जैसी सिचुएशन
वापस नहीं आएगी तब तक भारतीय सैनिक दस्ते भी लद्दाख में डटे रहेंगे। भारत और चीन के बीच की बातचीत का ही असर है कि गलवान, पेंगोंग, गोगरा जैसे इलाकों से चीन पीछे हट चुका है। बस दो और फ्रिक्शन पॉइंट बाकी हैं। इस वक्त में भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है और मैं आपको बता दूं कि बातचीत का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है क्योंकि दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही होती है हर लाइन को लिखा जाता है, भाषा का भी बैरियर रहता है, फिर इसका ट्रांसलेशन होता है, दूसरे पक्ष के साथ उसको शेयर किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि फोकस दो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको लेकर है दोनों सेनाओं के बीच में। LAC पर दमचौक और डेपसांग पर डिसएंगेजमेंट के लिए कोशिश हो रही है, यहां वो वहां जो तैनाती है उसको घटाने के लिए कोशिश हो रही है। अप्रैल 2020 तक हमारी सेना डेपसांग इलाके में पेट्रोलिंग करती थी, अब चीन की सेना जानबूझकर, हम ये LED ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर फ्रैक्शन है, और चीन ने जानबूझकर रूट को ब्लॉक किया। ये एक तरफ सियाचिन पड़ता है, इधर डेपसांग है XI चीन की तरफ से। डेपसांग अगर हम बात करें तो 972 किलोमीटर का मैदानी इलाका है जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये इंडिया के, अगर हम बात करें कि सब सेक्टर नॉर्थ में आता है, अगर इनको डिवीजन करें तो सब सेक्टर नॉर्थ के एक तरफ सियाचिन है और दूसरी तरफ XI चीन है। जैसे ये हम दिखा रहे हैं उधर पाकिस्तान की साइड वाला है और ये XI जो है ये चीन की तरफ वाला है। कनेक्टिविटी के चलते हमारे टैंक आसानी से पहुंच सकते हैं यहाँ पर, रोड बना हुआ है, क्योंकि डेपसांग पर खतरा मतलब DS DBO रोड, दुर्बक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर खतरा है। चीन ये चाहता है कि किसी तरह इस रोड को रोक दें। 255 किलोमीटर लंबी रोड ले को कराकोरम पास तक जोड़ती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो ले से जाते हैं उसकी वजह से ये दिक्कत होता है कि अगर ले से वहां तक हमारा सारा रसद सामान और सारी आवाजाही रहती है तो चीन को उससे दिक्कत होती है। अगर दुश्मन ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो कराकोरम की तरफ सेना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वहां तक उसका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोनों देशों के बीच लद्दाख सेक्टर में दमचौक भी टकराव वाला पॉइंट। अब दूसरी दिशा में आपको दमचौक दिखा देते हैं, वो दिख रहा है ना चशूल जहां 1962 की लड़ाई हुई थी। ये पूरे इलाके मैंने 2000 में देखे हुए हैं, मैं इन इलाकों में 17-18 दिन बिताकर आया था, ITBP की तरफ से एक टूर गया था, उसमें गया था। दमचौक टकराव का कारण है, चार्डिंग नाला सिंधु नदी जहां मिलती है वहां पर दमचौक सेक्टर बना हुआ है, वहां एक तरफ से सिंधु नदी आती है, गेटवे ऑफ इंडिया भी वहीं पर है जहां 1962 की जंग हुई थी। भारत चीन के बीच चार्डिंग ला सेक्टर को लेकर टकराव है, वो चार्डिंग ला सेक्टर को लेकर चीन में चार्डिंग ला में अपनी तरफ से टेंट लगाए हुए, उन्होंने टेंट लगा दिए वहां पर और हमें कहते हैं कि आप पीछे रहिए, तो वहां उनका आना ही संदिग्ध है। चीन परेशान क्यों है, क्योंकि चशूल डुंगटी दमचौक, ये यहाँ चशूल पड़ता है फिर इंडस को क्रॉस करके डुंगटी आती है और डुंगटी के बाद दमचौक आता है, क्योंकि मेरे देखे हुए हैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 135 किलोमीटर लंबी रोड जो है वो वहाँ तैयार हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान से सटे इलाकों पर चौकन्नी नजर रखने के लिए भारत अब बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि दुश्मन के इलाके पर ऊपर से नजर रखी जा सकती है। सिर्फ नजर रखने के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी अब ड्रोन लगता है भारत को बहुत जरूरी हो गया है बॉर्डर पर। क्या आने वाले वक्त में जंग में हार जीत का फैसला ड्रोन करेंगे? जिसकी जितनी मजबूत ड्रोन पावर, क्या वॉर जोन में उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा? हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए नए निगेवान आ चुके हैं। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है और करीब 750 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। भारत की सेना को हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। ऐसे में ये ड्रोन सर्वेलेंस और अटैक कैपेबिलिटी में इजाफा करते हैं। Heron Mark II is a very capable drone. This is capable of longer endurance.
हेरोन मार्क टू ड्रोन में थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलेंस विजिबल लाइट रडार सिस्टम भी लगा है। ये सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है जो 250 किलोग्राम भारी हथियार लेकर उड़ सकता है। इनके जरिए ये अपने बेस से उड़कर मिशन पूरा करके खुद ही वापस लौट आता है। आने वाले वक्त में ड्रोन में हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। इस वक्त भी चीन के करीब 60,000 सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। एलएसी के पास चीन के होटान, काशगर, गारगुसा, शिगात्से, होपिंग, लिंगजी जैसे अनेक एयरबेस को अपग्रेड कर लिया है। शांगसे और होटान में चीन के अपने लड़ाकू जहाजों की नई स्क्वाड्रन को भी डिप्लॉय किया है। चीन ने तो बॉर्डर पर गांव बसाने के नाम पर भी अपने सैनिकों के रहने का परमानेंट इंतजाम कर दिया है। चाइनीज अंदर घुसते आ रहे हैं, आपका ऑक्साइचिन ले लिया है, हर एक चीज ले लिया है। ये जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, डेमचौक, डेपसांग, ये पॉइंट 17, ये सारे के सारे जो आपके नैरेटिव में आते हैं, पेंगडोंग लेक, ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि चाइना इनको पे नजर है, चाइना उनको हथियाने की कोशिश कर रहा है। ये जग जाहिर है कि चीन का अपने पड़ोसी के साथ विवाद है। साउथ चाइना सी हो, ताइवान हो या फिर भारत, जिनपिंग की जमीन की भूख ने दुनिया को जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। खुद चीन के एक्सपर्ट्स इस तरह का इशारा करते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है कि हाल ही के दिनों में चाइनीज पीएलए ने मिलिट्री डिप्लोमेसी के नाम पर वॉर एक्सरसाइज को बढ़ाया है, इन्हें दोगुना से भी ज्यादा कर दिया है। कहा तो ये भी गया है कि पश्चिमी देशों से टेंशन बढ़ने के बीच रूस और चीन की साझा मिलिट्री ड्रिल्स भी पहले से ज्यादा बढ़ी है। सीमा पर तनाव को देखते हुए ये ड्रोन मददगार साबित होंगे पड़ोसी देशों की सामरिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। डेपसांग हो या फिर दमचौक, दोनों तरफ हजारों की तादाद में सैनिक खड़े हैं और वो भी मिरर पोजीशन में, यानी आमने सामने खड़े हैं। दोनों जगह पर 10,000 सैनिक हैं, यानी चीन के भी और भारत के भी, इसलिए सिचुएशन तनावपूर्ण है। ऐसे में कोई उकसावे वाली अगर कार्रवाई होती है तो फिर वही गलवन जैसा टकराव हो सकता है। इसलिए बातचीत का दौर जारी है। डीएस्केलेशन के साथ साथ डिसएंगेजमेंट पर भी फोकस है इस मीटिंग का। अच्छा, अब आप बताइए कि लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? ठीक होने के लिए ना, अगर कोई बीमार होता है तो ठीक होने के लिए जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे में उल्टा हो रहा है। ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 4 दिन में 27 मरीजों की मौत हो गई। 4 दिन 27 मरीजों की मौत हो गई, इनमें से 22 तो पिछले 48 घंटे में के भीतर ही जो है वो चल बसे। ठाणे वही शहर है जहां की सियासत की सीढ़ियां चढ़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पद तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ये महाराष्ट्र का वही इलाका है। 17 मरीजों की मौत हुई है। यहाँ बुलाकर आप मेडिसिन मंगा रहे हो, ये मंगा रहे हो, ओके है, सब हो जाएगा सर। सर 4 बजे आके बोलते कि डेथ हो गई है। ध्यान नहीं देते इधर के, पहले एक दो दिन में कुछ करते तो मेरी माँ जिंदा रहती। ये लियाज है, बहन बीमार थी, इलाज के लिए ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही, किया भी, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में बहन आफरीन की मौत हो गई। कल शाम को मेरी कजिन बहन है, कल उनको एडमिट किया गया है और ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला था शाम को, तो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने 11 बजे बाहर निकाले है और शाम रात में 4 बजे मॉर्निंग में बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। अब इस डेथ के रीज़न क्या है, क्या लापरवाही है ये हमारे? उसके चलते उस 20 पेशेंट थे, उसमें से आईसीयू में उसमें 5 पेशेंट बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई है। अभिषेक भी अपनी मां को ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में लाए थे, लेकिन अब खाली हाथ लौट रहे हैं। 4 दिन पहले मेरी मां को कार ठोक दिया था, फिर इधर दवाखाने में लाए,
तो लोग 3-4 दिन बाहर ही रखे। जब ज़्यादा सीरियस होने लगी जब ICU में लेके गए और शाम तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और मेरी माँ चली गई। फिर बाद में और 1-2 घंटा जाने के बाद भी कुछ बोल नहीं रहे थे, अंदर ही रखे थे। बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, फिर 2-2 घंटे बाद बोलते नहीं है आप। थाने के इस अस्पताल में सदमा अभिषेक और लियाज को ही नहीं लगा है। 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच यहां इलाज के लिए लाए गए 27 मरीजों की मौत हो गई। इसमें से 22 की मौत तो सिर्फ 48 घंटे के भीतर हुई। 10 अगस्त को 5 मरीजों की मौत हुई, 13 अगस्त को 18 की मौत हुई और 14 अगस्त को 4 मरीजों की मौत हुई। एक साथ इतनी मौतों से हड़कंप मचना लाजमी था। विपक्ष एक्टिव हुआ तो सरकार भी एक्शन में आई, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और इसी बीच अस्पताल प्रशासन सफाई लेकर सामने भी आया। अस्पताल में हो रहे मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल के डीन का ये कहना था कि अस्पताल में जो मरीज इलाज के लिए भर्ती कराए जा रहे थे वो पहले से ही गंभीर बीमारी का शिकार थे, ऐसे में मरीजों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया लेकिन अस्पताल प्रशासन उन मरीजों को बचाने में असफल रहा। अस्पताल जिन गंभीर बीमारियों की बात कर रहा है उनके बारे में भी बता देते हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कई गुर्दे की पथरी, लकवा, अल्सर, निमोनिया, कैरोसिन पॉइजनिंग, सेप्टिसीमिया और दिल के मरीज थे। इंक्वायरी कमेटी ने ले लिया है। अब महाराष्ट्र की सरकार जांच की बात कर रही है। जांच कमेटी बनाकर 25 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का फरमान भी सुना दिया गया है लेकिन उस सच का क्या करेंगे जो पहले ही सामने आकर खड़ा हो चुका है। अस्पताल प्रशासन से इन मौतों के कारण का पता लगाया जा रहा तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी है और अस्पताल ये भी कह रहा है कि जो अस्पताल की क्षमता है उससे दुगुना तिगुना जो यहाँ पे मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर उनको इलाज सही ढंग से नहीं मिल रहा है जिस कारण से मौतें हो रही हैं। यूं तो अस्पतालों में जिंदगी और मौत का रिश्ता नया नहीं है लेकिन एक ही अस्पताल में जब एक साथ इतनी मौत हो तो बात डराने वाली है। ये अस्पताल ठाणे मगर महानगर पालिका का अस्पताल है, ये कोई ऐरा गहरा या वैसे अस्पताल नहीं है किसी का प्राइवेट, समझ गए ना आप। और मरीजों की यहाँ हो रही मौत पर सिर्फ बवाल ही नहीं हो रहा, सियासत भी हो रही है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहाँ पहुँच गए और छत्रपति शिवाजी महाराज के हॉस्पिटल में पहुँचते ही उन्होंने डॉक्टरों और महानगरपालिका के अफसरों को बुलाया, मरीजों की मौत की वजह जानने की कोशिश की और पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। वैसे मरीजों की मौत के जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें एक अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी है, यानी ज़्यादा हो गए वहाँ पर मरीज, इसलिए ऐसा हुआ। ठाणे के सिविल अस्पताल में काम चल रहा है, वहाँ एक और हॉस्पिटल है ठाणे का सिविल हॉस्पिटल, वहाँ काम चल रहा है इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वहाँ के मरीज इधर आने लगे। मरीजों की भीड़ बढ़ी तो अस्पताल का सिस्टम गड़बड़ा गया, चरमरा गया। मरीजों को बेड नहीं मिले, स्टाफ की भी कमी थी, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनको उतनी तवज्जो या ध्यान नहीं दे पाए जितना देने की जरूरत थी क्योंकि मरीज ही ज़्यादा हो गए, स्टाफ कम पड़ गया। इलाज में कमी को भी मरीजों की मौत की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। थाने के अस्पताल में हुई मौतों पर जांच का आदेश भी दे दिया गया है, जांच होगी, लापरवाही और कमियों का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन वो तो लौट के नहीं आएंगे ना, जो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद में इस अस्पताल में आए थे लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपनों के पास से चले गए। हमें क्या तय करना चाहिए, सरकार को क्या तय करना चाहिए, अस्पताल प्रशासन को क्या तय करना चाहिए? ये तय करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हों और लोग अपनों को ना खोएं। अगर दूसरे अस्पताल में काम करवाना था तो पहले उस जो हॉस्पिटल था जिसमें मरीजों को जाना था वहां पर पुणे में इंतजाम मुकम्मल करने चाहिए थे। चलिए वक्त पॉजिटिव स्टोरी का आ गया। आपको पता है कल 15 अगस्त है, आज़ादी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है। लेकिन कश्मीर से एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई है हमारे सामने, वहाँ एक आतंकवादी के भाई ने तिरंगा ना सिर्फ खुद लहराया बल्कि कश्मीर के नौजवानों को भी आज़ादी पर देशभक्ति का संदेश दिया।
मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कर्मीदारी में, आओ हिंदुस्तान के झंडे तले। है क्या हालात, है क्या वो भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। बस हकीकत हकीकत ही है, यही मैंने सोचा है, मैं यही यूथ को पैगाम दे रहा हूँ। मैंने दिल से ले रहा है, अपनी मर्जी से ला रहा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मैंने दिल से ले रहा है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये हिंदुस्तान है। हिजबुल मुजाहिदीन के जावेद मट्टू का सगा भाई है रईस मट्टू, कश्मीर के सोपोर में रहता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रईस ने घाटी के युवाओं से तिरंगे को दिल से लगाने की अपील की है, साथ ही एक संदेश पाकिस्तान के लिए भी है। है क्या हालात, है क्या वो भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये हिंदुस्तान है। रईस मट्टू की तिरंगे के साथ इस तस्वीर को देखकर लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये आर्टिकल 370 के हटने का असर है या सरकार के विकास और व्यवहार से हुए बदलाव की तस्वीर। पाकिस्तान परस्त आतंकवादी के भाई ने आखिर तिरंगा क्यों उठाया? आतंकियों की परवाह किए बिना घाटी में तिरंगा फहराने का हौसला उसे कहां से मिला? और कश्मीर के नौजवानों से हिंदुस्तान के झंडे को ऊंचा रखने की अपील वो क्यों कर रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट। मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था दो दिन तीन दिन। जो पॉलिटिक्स थी पिछली पॉलिटिक्स, वो गेम खेल रही थी, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे थे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कर्मीदारी में, आओ हिंदुस्तान के झंडे तले, डेवलपमेंट चल रही है, आज कानून अच्छा है, आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं। कश्मीर में रहने वाले लोगों के सामने रईस मट्टू ने साफ साफ ये कह दिया, अब पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, अब हालात क्लियर हो गए। है क्या हालात, है क्या वो भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। तिरंगे को सीने से लगाने वाले रईस मट्टू का भाई जावेद हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है। वह फिलहाल पाकिस्तान में है और बीते 11 सालों से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है। सोपोर में रहने वाले रईस ने अपने आतंकी भाई जावेद से भी तिरंगा उठाने की अपील की और पाकिस्तान की साजिश से निकलकर हिंदुस्तान लौटने को कहा। हाँ, 2009 में हुआ, उसके बाद में पता नहीं अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है, अगर मेरी बात उसके पहुंचे, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आए या खुद एजेंसी के साथ रब्ता करें। आज वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, अब हालात क्लियर हो गए। है क्या हालात, है क्या वो भिखारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। रईस मट्टू घाटी में बदलते हालात का एक बड़ा संकेत है। 370 हटने के बाद से बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुस्तान के झंडे को ऊंचा रखने में जुट गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले अनंतनाग से लेकर लेह लद्दाख तक कहीं बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई तो कहीं गलियों में झंडा ऊंचा रहे हमारा के गीत गाए गए। कश्मीर में गली गली तिरंगा फहराया जा रहा है और कदम से कदम मिलाकर एकता का गीत भी गाया जा रहा है। रईस मट्टू ने सपोर में तिरंगा फहराकर हौसला बढ़ाया। उम्मीद है और भी लोग आगे हाथ बढ़ाएंगे और भारत की शान तिरंगे को गर्व से ऊंचा उठाएंगे। देखिए, दोनों भाई हैं लेकिन सोच में कितना फर्क है। लेकिन चलिए, एक अच्छी शुरुआत हुई, अब वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है। मणिपुर की रिपोर्टिंग पर आपने कई सुझाव दिए और मुझे कई कमेंट्स भी भेजे हैं। वक्त कम है, कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, दीपक अग्रवाल जी लिखते हैं, जगविंदर पटेल जी, आप मणिपुर इतनी संवेदनशील जगह पर से लाइव हम सब लोगों के लिए सच्चाई बताने के लिए गए, आपसे निवेदन है कि इतनी रिस्क मत लीजिया करें, आपकी हिम्मत को बार बार बधाई सर जी। शुक्रिया दीपक जी। कृष्णा कांत जी बताते हैं, आप मणिपुर पर आपका ग्राउंड रिपोर्ट कई दिनों से देख रहा हूँ। महोदय, आपके अदम्य साहस और जनता के लिए सच
खोज निकालने की लालसा को सलाम करता हूँ। मणिपुर में मानवता शर्मसार हो रही है, रो रही है, बिलख रही है। सरकार को ठोस पहल करने की ज़रूरत है। मणिपुर पर आपकी कवरेज ने रुला दिया, मेतई और कुकी के लीडर्स से भी बात करें, करें होगा तो अच्छा होता है। ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं हम कि वो क्या चाहते हैं। सही बात है राजेंद्र जी, सबसे बात की थी, लेकिन इन सब कमेंट्स को आपने भेजते रहना है। ये हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाला होता है और ये पता लगता है कि आप किस तरह से हमारी कवरेज को ले रहे हैं, आपके मुद्दे, और ये तो आपका शो है। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आज की खबरें आपको कैसी लगी, आपने ये फीडबैक भी मुझे देना है। एबीपी न्यूज़ के साथ एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं जा रहा हूँ, आपने नहीं जाना है। कल मैं 9 बजे फिर आपसे मिलूँगा यहीं आपके टाइम में आपके मुद्दों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।